कुछ बचा आपको? कुछ नहीं बचा। आपका घर कौन सा हुआ? ये घर हुआ आपका? अच्छा, कुछ नहीं बचा आप लोगों का? पहनने के लिए कपड़ा भी नहीं बचा। हम लोग पहन के रहेंगे, रात भर कहाँ सोएंगे, कहाँ रोड पर? देख ली दमकल टीम आई, लेट से आई। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं जनमंच न्यूज और मैं हूँ देवेंद्र कुमार। मैं आपको लगातार अपडेट दे रहा हूँ। दिघ्या सियाना रोड के पास जो नाला है वहाँ पर किस तरह से 50 कम से कम 50 गरीबों का घर जलकर राख हो गया। और सबसे बड़ी बात यह है कि इन्हें मदद के लिए भी कोई सामने नहीं आया है। ये लोग खाएंगे क्या, रहेंगे कैसे, इस पर कोई बातें नहीं हो रही है। चाची, कैसे आग लगी इधर? कैसे आग लगी थी यहाँ पे? कोई मालूम नहीं है किससे लगी है, कैसे ना को लगाया दिया गया, कोई नहीं, कोई किसी के मालूम नहीं है। ये कब हुई है सब चीज? 11 बजे हुआ है। 11 बजे 3-4 बजे पुलिस वाला आ गया, खड़ा था, कोई नहीं साथ। पहले से प्रशासन अगर चाहता था ये आधा जो पट्टी पहुँचा सकता था। कैसे? कैसे की टैंकर आया है भैया, अभी देखिए 4-4 को लगा, 4-4 5-5 को। अच्छा, टैंकर एक भी नहीं था। अब ये जो प्रशासन व्यवस्था जो आई, कब आई है? ये लोग आया 2 घंटे के बाद आया। आप कब से फोन कर रहे थे? बहुत देर से फोन किए हम लोग, बहुत देर से किए टैंकर को फोन करने के लिए, बाकी टैंकर एक भी नहीं आया। टैंकर आ जाता तो आधा सुपर पट्टी बच भी सकता था, बाकी टैंकर नहीं हम लोग करके आया। कैसे आग लगी यहाँ पे? ऐसा लगी, हाँ, स्मार्ट वाला, हाँ, पीता है, दौड़ा रहा नाम है, हाँ, राजू है, बोलिए। आग लगी, पुलिस कब पहुंची, प्रशासन कब पहुंची, दमकल टीम कब आई है? 3 घंटे के बाद 3 घंटे बाद आया है। देख लीजिए यहाँ आपकी स्थिति क्या है। ये पटना असियाना दिघा रोड की स्थिति है और देख सकते हैं प्रशासन यहाँ पर आई हुई है, सिचुएशन को कंट्रोल पा ली है और स्थिति सामने है। अब इन गरीबों को रहने के लिए घर नहीं, सब लोग अपना सामान तलाश रहे हैं क्योंकि कुछ इनके पास बचाव नहीं। ये ताजा हालात है और इस तरह से होली के दिन हुआ पटना में इतना बड़ा खेल। यहाँ देखिए एक समाज सेवी संस्था है बीइंग हेल्पर, वो लोग आए हुए हैं, इनसे जानने की कोशिश करते हैं। भैया कैसे क्या हुआ यहाँ, बता सकते हैं आप? हम लोग को भी पता चला है 1.5 घंटा पहले। अच्छा, कब से आप लोग यहाँ पे आए हुए हैं? चप्पल पहन के नहीं आए इधर। देखिए कितनी मशक्कत से ये लोग काम कर रहे हैं। ये देखिए गैस सिलेंडर सब हटाया जा रहा है कि कुछ चीजें ब्लास्ट ना हो जाए यहाँ पे। कब आए आप लोग? कब आए आप लोग? हम लोग तो आए 1.5 घंटा पहले। देख लीजिए सारा मलबा पसरा हुआ यहाँ पे है और सब यहाँ से हटाया जा रहा है। बुआ, ए कैसे क्या हुआ यहाँ पे? दिमाग खराब हो रहा है क्योंकि दिमाग खराब होगा ही, इनका घर जलकर राख हो गया है। तस्वीर में देख लीजिए मुआवजा के तौर पर कुछ चीजें नहीं मिली है। कोई सामने आया सरकार उरकार मदद के लिए? नहीं आया, कुछ नहीं आया। कुछ नहीं। आपका घर कौन सा हुआ? ये घर हुआ आपका? अच्छा, कुछ नहीं बचा आप लोगों का? पहनने के लिए कपड़ा भी नहीं बचा। हम लोग पहन के रहेंगे, रात भर कहाँ सोएंगे, कहाँ रोड पर? देख लीजिए किसी का असियाना उजर जाए, उसके जीवन में क्या बीतता है, इस तस्वीर देख के नजर लगा लीजिए। ये दोनों महिलाएं अपना आप आई है, बहुत जल गए हैं, तब आए हैं दमकल, पहले से कोई नहीं आया है।
थे बींग हेल्पर टीम किस तरह से मदद कर रही है, जो हो पा रहा है इनसे ये लोग यहाँ पे कर। हम चाहते हैं कि आप जैसे समाज सेवी भी जो भी हो इस वीडियो को देख रहे हैं, यहाँ पहुँचिए, मदद कीजिए लोगों को। कब से आप यहाँ पे आए हुए हैं? 1.5 घंटा हो गया। अच्छा, जल गया। आप क्या कर? कितना घर था यहाँ पे? करीब 40-45 घर था। अच्छा, कुछ तो नहीं बचा है? देख सकते हैं आपके सामने रसूल आदान है। आप लोग मदद किस तरह से कर रहे हैं? बस प्रशासन के साथ मिलकर, आदमी साथ मिलकर अपना थोड़ा सा सहयोग। अच्छा, होने का धर्म निभा रहे हैं हम लोग। और हम चाहते हैं जितना भी लोग वीडियो को देख रहे हैं, जो मदद करना चाहते हैं यहाँ पर आके मदद कर सकते हैं। देख सकते हैं कंट्रोल पाया जा रहा है ताकि फिर आग फैले नहीं। होली का दिन था और होली देखिए किस तरह से किस रूप ले लिया। देख लीजिए ये माता जी तलाश रही हैं, खोज रही हैं कि कुछ मिल जाए, लेकिन अब मुश्किल है कुछ मिलना। इनका जितना भी धन दौलत जो भी जमा पूंजी था जलकर राख हो गया, इनके पास कुछ नहीं है। कुछ बचा आपको? कुछ नहीं बचा। कुछ नहीं बचा। ये सबसे बड़ी तस्वीर है यहाँ से बगल में तो कांटा 25-30 हजार का सामान रखे थे, गुमटी में 10-15 हजार का कैश रखे थे, सब जाकर राख हो गया। इन्हें मदद की सख्त जरूरत है। जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, इस रोते बिलकते परिवार को देख सकते हैं, इनके जो जमा पूंजी थी घर में वो भी जलकर राख हो गई। इन्हें वक्त नहीं मिला अपने जमा पूंजी को बचाने के लिए, और देख लीजिए पूरा घर यहाँ से यहाँ तक जलकर राख हो गई। हम लोग ये चाहते हैं कि दारू गाजा स्मैक लोग पीने वाला पीता है, पीछे बैठ कर प्रशासन पकड़ती है, प्रशासन ले जाती है, बाकी प्रशासन कोर्ट में ले जाती है, कोर्ट प्रशासन छोड़ देती है, कोर्ट बाकी प्रशासन कोर्ट क्यों छोड़ती है, सोच लीजिए उनका सजा दे दिया जाए। कौन 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 लोग थे, कौन सब किया है? राजूनगर थाना का पहले पीछे रहता था, अभी रह रहा है लेकिन किराया पर रहता है, अब पता नहीं अभी, लेकिन कुंदन नाम का है, स्मैक पहले बेचता था। आग कैसे लगी यहाँ पे, आग कैसे लगी? अब पता नहीं, हम सर हम गए घूमे भोला प्रधान तक थे, लेकिन एक बार पता चला था वहाँ है हड़बर में आए, जब ले पूरा झोपड़ी गायब हो गया, एक बार झोपड़ी गायब हो गया, इसका मतलब है कि कुछ तेल उल छिट के लगाया होगा। हम तो सीधा कोई विधायक मंत्री यहाँ पे आया अभी तक? नहीं, अभी कोई नहीं आया। कोई नहीं आया है? कोई नहीं आया। यहाँ से विधायक कौन है? विधायक कौन है? और संजीव चौरसिया बीजेपी विधायक यहाँ से देखते धुआं उड़ धुआं की लपटी यहाँ अभी भी उड़ रही है, कृपया लोग साइड हो जाए। विधायक जी यहाँ पे आए हैं? देख लीजिए स्थिति कितनी काफी यहाँ पे लचर है, और हम चाहते हैं शासन से इन गरीब परिवारों को जितना हो सके उचित मुआवजा देने का प्रावधान करें, क्योंकि मैं बार बार कह रहा हूँ इनके घर उजड़ गए, इनके पास 1 रुपया नहीं बचा। अब सोच लीजिए ये लोग कैसे सरवाइव करेंगे इस राजधानी में। राजधानी में ये सबसे बड़ी घटना है। आज देखिए किस तरह से पानी ऊपर उड़ाया जा रहा है, क्योंकि जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ आग की लपटें उस जो बिजली के जो हाई टेंशन देख रहे हैं वहाँ तक पहुँची थी, और उसे भी वहाँ धोया जा रहा है। इस वीडियो को जितना हो सके जनता के हित में शेयर कीजिए, ताकि यहाँ के लोगों का दर्द पूरे देश में फैल सके, ताकि इन्हें उचित सहायता मिल सके। धन्यवाद आपका। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।